सभी को गुरुजन बेस पब्लिक स्कूल आलवास की तरफ से नमस्कार। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है शब्द विचार। पिछले वीडियो में हम वर्ण विचार कर चुके हैं, अगला शब्द विचार। शब्द विचार यानी हमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। हम शब्दों से ही अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितना शब्दों का भंडार या जिसका शब्दों का ज्ञान सबसे ज्यादा हुआ, वह उतना ही अच्छा वक्ता और उतना ही अच्छा लेखक हो सकता है। अब इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन बनता है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा। ये क्या है? शब्द है। जब व्याकरणिक के नियमों से इनको एक वाक्य में बांध दिया जाता है तो वो पद बन जाता है। यानी राम ने बाण से रावण को मारा, तो ये रावण, बाण, राम और मारा, ये सब क्या है? शब्द। अगला इसमें क्वेश्चन बनता है, शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर, इसी चैप्टर का ये दूसरा क्वेश्चन होगा। शब्द हम आपको बता ही चुके हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, और पद यानी शब्दों का शब्द श्रेणी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब अगला हमारा है पद। पद यानी शब्दों का शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वह पद बन जाते हैं। यानी जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, अगला टॉपिक हमारा आता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम पांच आधारों पर कर सकते हैं। वो पांच कौन कौन से हैं? पहला है उत्पत्ति के आधार। पहला शब्द का वर्गीकरण पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। फिर तीसरा प्रकार है इसका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। चौथा प्रकार है प्रयोग के आधार
और पांचवा प्रकार है व्याकरणिक प्रकार्य। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार है, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण पांच प्रकार से कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण इसका उत्पत्ति के आधार, यानी शब्दों का जन्म कहां से हुआ, शब्दों का जन्म कहां से हुआ। फिर रचना या बनावट के आधार पर, यानी जब उनकी रचना करते हैं शब्दों की या पद की, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। आज हम सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे उत्पत्ति के आधार। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर आज का हमारा टॉपिक यही है, यानी कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद व्यंतर। और तीसरा टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के शब्द होते हैं। पहला शब्द है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, और एक प्रकार ज्यादातर हम इन चार का ही वर्णन करते हैं, लेकिन एक पांचवा प्रकार आप और भी वर्णन कर सकते हैं, संकर शब्द। मेनली चार प्रकार इसके तत्सम। तत्सम शब्द की परिभाषा, तत्सम शब्द वो शब्द है जिनका प्रयोग संस्कृत के, तत्सम क्या है, संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में किया गया है वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। यानी कि संस्कृत के जिन शब्दों का, ध्यान से सुनिए, संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हूबहू यानी एज इट इज संस्कृत हिंदी में किया गया है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, शंख, ध्वनि आदि, यानी ये संस्कृत के शब्द है और एज इट इज हिंदी में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है तो उनके शब्दों का प्रयोग हिंदी में उसी प्रकार से किया जाता है, वो होते हैं तत्सम शब्द। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं, है ये संस्कृत के शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग बदलकर हिंदी में होता है वो होते हैं तद्भव शब्द। यानी संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का उदाहरण है जैसे पानी, हवा आदि। तीसरा प्रकार है देशज, यानी कि देशज शब्द वो होते हैं जिनका प्रयोग, जो शब्द आम बोलचाल की भाषा के शब्द है और इनका हिंदी में प्रयोग होने लगा वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि देशी भाषाओं के या बोलियों के जो शब्द आम बोलचाल की भाषा के थे और उनका हिंदी में प्रयोग होने लगा, जैसे पगड़ी। पगड़ी शब्द क्या है, देशज शब्द है, इसका हिंदी में प्रयोग होता है। जूता, पैसा, रोड़ा,
आदि, ये शब्द है देशज शब्द और इनका प्रयोग एज इट इज हिंदी में होने लगा तो ये कहलाते हैं देशज शब्द। अब विदेशज शब्द, विदेशज विदेश, जैसे इसके नाम से पता चलता है क्योंकि भारत में बहुत लंबे समय तक विदेशी शासकों का शासन रहा था तो उन्हीं भाषाओं का प्रयोग हिंदी में होने लगा तो वो शब्द क्या कहलाए, विदेश शब्द। यानी विदेशी शासकों के संपर्क में आने के कारण बहुत से विदेशी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विदेश शब्द कहा जाता है। जैसे इसके कई प्रकार है विदेश शब्द के, जैसे अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी से कौन सा आया, इंजीनियर, रेल, स्कूल, पुलिस, ये सारे शब्द है। मान लो इंजीनियर है, इंजीनियर को अगर शुद्ध हिंदी में अगर इसका रूपांतरण क्या है, अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं, अभियांत्रिकी। रेल को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, लोकपथ गामिनी। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी में जो क्यों किया जाता है तो वो होते हैं विदेश शब्द। जैसे आजकल कोरोना वायरस इस महामारी के बीच में एक शब्द का यूज किया जाता है भी, जिस किसी में लक्षण पाए जाते हैं या कोई जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आता है तो उसको क्वारंटाइन, इस शब्द का यूज कर रहे हैं क्वारंटाइन। अगर ये इंग्लिश का शब्द है, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में ये शब्द बनेगा पृथकवास, यानी शब्द से अलग रहना, पृथक वास, क्वारंटाइन। इन दिनों में शायद हजारों लाखों बार इसका यूज हो चुका है इंग्लिश के अखबार में, मेरी हिंदी के अखबार में अगर आप देखोगे तो इसी ही क्वारंटाइन का यूज है। लेकिन अगर इसका हिंदी का शुद्ध रूपांतरण क्या है, पृथक वास, यानी सब इसे अलग है रहना, आइसोलेशन है, आइसोलेशन वार्ड, कोरोना पॉजिटिव के आइसोलेशन, आइसोलेशन भी अलग थलग। आइसोलेशन इंग्लिश का शब्द है और उसका हिंदी का अर्थ क्या है, अलग। तो ये है अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के बाद में कौन से शब्द है जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं, फारसी के, आदमी, आदमी शब्द जो है वो फारसी का है, आसमान, खुशामद, ये सारे शब्द है हिंदी में जो प्रयोग होते हैं ये है फारसी के। अब विदेशज में पुर्तगाली शब्द, अलमारी, अलमारी जो शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है, कमरा भी पुर्तगाली शब्द है, मेज भी पुर्तगाली शब्द है। इस प्रकार से विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है विदेशज। और एक पांचवा प्रकार है इसका जो मैंने बताया है, संकर है शब्द। संकर को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड, संकर बीज, जो फसलों के आजकल बीज आते हैं हाइब्रिड बीज आपको पता ही है, तो संकर का मतलब होता है हाइब्रिड इंग्लिश में और हिंदी में संकर, यानी कि दो भाषाओं के मेल से बनी। संकर शब्द किसे कहा जाता है जो दो भाषाओं के मेल से बनता है, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है, जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेल शब्द किसका है, इंग्लिश का, और गाड़ी शब्द किसका है, हिंदी का, रेल
गाड़ी, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, वो शब्द कहलाते हैं संकर है शब्द। छायादार, छाया दार, छाया शब्द है हिंदी का और प्लस में दार शब्द है फारसी का। तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रकार या शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पांच भेद है। पहला भेद है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर। यानी ये आज का हमारा टॉपिक था। अगला टॉपिक इसका होगा रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये आज आपको समझ में आया होगा, इसको ध्यान से वीडियो को देखना दो बार तीन बार। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।